नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बेलियन चैप्टर से अगला जो क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन देखने में जितना जटिल लगता उतना है नहीं, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होगी। और यदि ऐसा आप करते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से करके आप 2 से 4 नंबर बना सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या, 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोल लता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ mmHg है। फिर बोल रहा है कि 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर बेंजीन में मेथेन की विलेयता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको जो ये ताप दे रखा है ये स्थिर ताप है और इस ताप से घबराना नहीं है। यहाँ पे जो चीजें दे रखा है उसको आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहली बात दिया है हेनरी स्थिरांक यानी कि के एच का मान। तो हेनरी स्थिरांक के एच का मान दे रखा है कितना, 4.27 × 10⁵ 5, 4.27 × 10⁵ 5 mmHg ये मान दे रखा है। उसके बाद से क्या दे रखा है, यहाँ पे दाब दे रखा है। क्या दाब यानी कि प्रेशर, दाब बराबर कितना है, 760 mm ½ Hg ये मान दे रखा है। भाई पूछ क्या रहा है, विलेयता। विलेयता का मतलब यही है ना कि जो गैस है उसका मोल प्रभाज पूछ रहा है, मोल अंश पूछ रहा है, यानी कि एक्स गैस का जो मान है वो पूछ रहा है। आपको हेनरी के नियम से देखना है, कहाँ जाना है, हेनरी का नियम से। हेनरी का नियम से जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, वो होता है के एच बराबर दाब बटे में एक्स गैस, मतलब गैस का मोल प्रभाज। एक्स गैस, गैस क्या है, यहाँ पे गैस है मीथेन, यानी कि मीथेन का मोल प्रभाज। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स गैस का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स गैस बराबर हो जाएगा पी बटे में के एच। अब क्या करना, यहाँ पर आपको मान रखना, जो दाब दे रखा है इसका मान रखना है, हेनरी स्थिरांक दे रखा है इसका मान रखना है। तो हो जाएगा क्या, एक्स गैस बराबर कितना मान हो जाएगा, दाब जो है दे रखा है 760 mmHg और बटे में के एच का मान दे रखा है 4.27 × 10⁵ 5 mmHg। यहाँ पे जो मात्रक दे रखे हैं उससे ये कट जाएगा, mmHg से mmHg। अब यहाँ पर क्या करना कि 760 में 4.27 से यदि हम भाग देते हैं तो यह जो मान है आता है कितना, 1.178 × 10⁵ जो 5 है ऊपर जाएगा तो 10⁵ −5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना कि दशमलव को हमें यहाँ लाना, यानी कि 1.78 करेंगे तो ये गुणे हो जाएगा 10⁵ −5 + 2। ठीक, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 1.78 × 10⁻³ −3 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।